हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन विद चेतना और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेडशीट हॉल। सो यहाँ पे जितनी भी बेडशीट मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वो सारे किंग साइज बेड की है, यानी उनका जो साइज है वो 6x6.5 फीट है। तो किंग साइज की बेडशीट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जितनी भी बेडशीट मैंने परचेस करी वो डिस्काउंट प्राइस में मैंने परचेस करी है। इनका ब्रांड और इनका कितना साइज है पर बेडशीट का वो भी मैं आपको बता दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी दे दूंगी। सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरा ये बेडशीट हॉल पसंद आए और आप इस तरीके के और भी वीडियो देखना चाहें तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे जीमेल में पूछ सकते हो। सो गाइज, मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बनी रहिए और देखिए कि मैंने यहाँ पे कौन कौन सी बेडशीट जो है परचेज करी। मेरी सबसे वाली पहली वाली जो बेडशीट है वो किस तरह की ये पैकेजिंग के अंदर आई है, और ये बहुत ही अच्छी मल्टी कलर की बेडशीट है, आप देख सकते हैं। तो जब इसको फुल ओपन जब मैंने इसको लगा के रख रखा है बेड पे, तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से कितना फ्री स्पेस जो है बेडशीट को मिलता है, यानी कि आप मैट्रेस के नीचे कितना फोल्ड कर सकते हो। तो इस वाली बेडशीट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये लगा कि इसके साइड में फ़ोल्ड करने के लिए बहुत ही कम क्लोथ जो है वो बचता है, ज़्यादा हम फ्लोट मतलब इनसाइड नहीं ले सकते हैं बेडशीट को। एक्चुअली ये डिपेंड करता है मैट्रेस के ऊपर, अगर आपका मैट्रेस ज़्यादा इंचेस का है जैसे कि 6 इंच या 8 इंच का है तो फोल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ये बेडशीट जो है छोटा पड़ेगा। मेरा मैट्रेस जो है वो 8 इंच का है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये साइड में से ये बेडशीट जो है थोड़ा छोटा पड़ रहा है, मैं अच्छे से इसको फोल्ड नहीं कर पाई हूँ, आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ लेंथ के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। इसका जो मटेरियल है बहुत अच्छा है, इसका जो प्रिंट है वो भी बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छी गुड लुकिंग बेडशीट है एक रिजनेबल प्राइस के अंदर। डेली यूज़ के अकॉर्डिंग बहुत ही परफेक्ट है ये बेडशीट। बट अगर आपका मैट्रेस जो है 4 इंच का है तो इजीली आप बाय कर सकते हैं, आपको फोल्ड करने के लिए बहुत अच्छे से मटेरियल जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट बेडशीट जो है वो बॉम्बे डाइंग की है, आपको प्राइस साइज जो है वो स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो इस बेडशीट का भी सेम केस हुआ है, साइड में फोल्ड करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, बहुत ही फ्री स्पेस जो है बहुत ही कम मिला है मुझे, और लेंथ के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है, मटेरियल एकदम परफेक्ट है और प्रिंट भी बहुत अच्छा है इसका, लेकिन साइड में फ्री स्पेस कम मिला है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मैट्रेस का फ़र्क पड़ता है, तो 8 इंच के मैट्रेस की वजह से मुझे साइड में बहुत ही कम मिला है। तो आप देख सकते हैं मैं फ़ोल्ड बड़ी मुश्किल से कर पाई हूँ, लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ में बहुत ईजीली फोल्ड हो जाता है, बट साइड में फ़ोल्ड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से थोड़ी बेडशीट की लुकिंग जो है थोड़ी कम अच्छी लगती है, जल्दी से वापस निकल कर बाहर आ जाता है बेडशीट, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप मैट्रेस का चेक करके फिर ही लें, बेडशीट का साइज़ आपके मैट्रेस के अकॉर्डिंग ही लें। नेक्स्ट बेडशीट जो है वो एवर होम की है, बहुत ही अच्छी बेडशीट है, आप देख सकते हैं किस तरह की पैकेजिंग के अंदर मुझे मिली है। इसमें मुझे साइज़ का कोई इशू नहीं रहा है, ये आप देख सकते हैं साइड में भी कितना मटेरियल बच रहा है, दोनों साइड में इतना ही लगभग 4 इंच का मटेरियल बचता है, और लेंथ में भी कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे से मैं इस बेडशीट को मैट्रेस के साथ फोल्ड कर पाई हूँ, और इसका क्लोथ इसकी प्रिंट बहुत बहुत अच्छी है, ये भी डेली यूज़ के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट बेडशीट है। तो आप अगर आपका 8 इंच का मैट्रेस है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ये वाली बेडशीट जो है बाय कर सकते हैं, एक अफोर्डेबल रेंज के अंदर है। आप देख सकते हैं मैंने जब फोल्ड किया तो किस तरह की से लुक दे रही है बेडशीट। और इसके पिलो कवर भी थोड़े डिफरेंट है, लाइनिंग प्रिंट में है तो बहुत अच्छे लगे मुझे इसका डिज़ाइन वगैरह। और ये इसका बेस जो है वो वाइट कलर का है, ऑफ वाइट नहीं है, आपको कैमरे में ऑफ वाइट दिख रहा होगा लेकिन एकदम वाइट है, तो बहुत अच्छी लगी मुझे स्काई ब्लू कलर की और वाइट बेस की ये बेडशीट। साइज बहुत परफेक्ट है इसका। नेक्स्ट जो बेडशीट है वो ब्लश कंपनी की, ये भी बहुत अफोर्डेबल रेंज की बेडशीट है, और इसकी भी आप पैकेजिंग देख सकते हैं किस तरीके से पैक्ड होके आई थी, ये भी प्योर कॉटन है। और मैं इन सारी बेडशीट का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं वहाँ से चेक कर सकते हैं।
और ये बेडशीट का मटेरियल कॉटन है, बहुत अच्छी बेडशीट है। साइज़ का अगेन मुझे इसके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, फुल साइज़ बेडशीट है। और फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से दिख रही है, ये प्लेन बेडशीट है। कभी कभी प्लेन बेडशीट भी काफ़ी अच्छी लगती है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लेना। आई होप गाइज आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और मेक श्योर अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई बेडशीट ले तो उसका साइज जो आपके बेड की साइज हो उससे एक्स्ट्रा ले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैट्रेस भी अलग अलग साइज के आते हैं, 4 इंच 6 इंच 8 इंच, तो मैट्रेस के अकॉर्डिंग बेडशीट का साइज जो है वो थोड़ा बड़ा लेना चाहिए ताकि हम उसको अंदर फोल्ड करके अच्छे से फिट करके लगा सके। ये चीज का आप स्पेशली ध्यान रखना। सो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज, बाय बाय।